सभी भारतवासियों को नमस्कार मैं अवतार सिंह महमा क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पूरे देश में ये बात जाए और पूरे देश में जो कल प्रोग्राम होने वाला है छः तारीख को जो चक्का जाम का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है उसमें कुछ बातें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये बातें पहुँचें क्योंकि कल का जो प्रोग्राम होने वाला है बहुत बड़ा और विशाल प्रोग्राम होने वाला है तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि कल जो सड़की आवाजाई जो सड़क के आवाजाही है उसको तीन घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा 12 से 3 बजे तक उसमें सभी नेशनल हाईवे जो हैं भारत सरकार केंद्र सरकार के अंडर आते हैं और जो स्टेट हाईवेज हैं जो स्टेट के जो सरकारें हैं उनके अंडर आते हैं सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर यह जाम होगा इसके अलावा इस जाम में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वहाँ उनमें एम्बुलेंस हैं स्कूल की बसें हैं और ऐसी कोई और भी जो इमरजेंसी सेवाएं हो सकती हैं उनको कैसे भी करके जो भी आप जहां भी जाम लगाएंगे एक साइड में से रास्ता रखिएगा ताकि उसे जरूरत पड़ने पर बंद किया जाए और जो एमरजेंसी कुछ गाड़ियां आए उनको जो रास्ता दिया जाए और इसके और आगे जो दूसरा है सबसे जरूरी ये सारा प्रोग्राम जो है शांतमय होगा अहिंसक होगा किसी भी हिंसा कि इसमें जगह नहीं है और सभी लोगों से अपील है कि किसी अफसर से कर्मचारी से किसी पुलिस वाले से किसी नागरिक से किसी रास्ते से आने जाने वाले के साथ कोई किसी भी तरह की बहसबाजी हुल्लड़बाजी नहीं करनी है इसका ध्यान रखा जाए और लोगों से अपील है कि 12 से 3 बजे तक जो लोग दूर दराज जाने वाले हैं वो ना जाएं इन जो मोर्चे आपके नजदीक जो भी मोर्चे लगे उन मोर्चों में पार्टिसिपेट करें 12 से 3 बजे तक कहीं भी जाने आने से बचें आगे जो है आ, कि जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जो पक्के मोर्चे लगे हुए हैं सिंघू मोर्चा है कुंडली सिंघू कुंडली है गाजीपुर है शाहजहांपुर है आ, और जो टिकरी बॉर्डर है इनके अलावा दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर एंटर करने वाली जो सड़कें हैं दिल्ली के आसपास दिल्ली के भीतर उन सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा वहां पर किसी भी तरह की ब्लॉक नहीं होगी जो भी स्थानीय जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के आसपास के वो सभी जो पक्के मोर्चे हैं जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं सिंघू मोर्चा है टीकरी है गाजीपुर है शाहजहांपुर है वहीं पे पहुंचे दिल्ली के अंदर जाने वाली जो आसपास की जो छोटी बड़ी सड़कें हैं उनको ब्लॉक नहीं किया जाएगा और एक जरूरी मैसेज जो पूरी दुनिया में हो रहा है तीन बजे जब स्टेज की समाप्ति होगी जब प्रोग्राम की समाप्ति होगी तो आप जहां भी हैं, आप कहीं सड़क पर रुके हुए हैं मोर्चे में हैं, कहीं जा रहे हैं आपके पास जो भी व्हीकल है मोटरसाइकिल है गाड़ी है ट्रक है बस है ट्रैक्टर है तो एक मिनट के लिए आप तीन बजे प्रोग्राम की समाप्ति पर एक मिनट के लिए उस जो उसका हॉर्न है उस हॉर्न को बजाएं किसान मोर्चा किसान आंदोलन के साथ एक मुठता प्रकट करें और ये जो गूंगी बहरी सरकार है उसके कानों को थोड़ा प्रेशराइज करें उस, उस तक आवाज हमें पहुंचानी है तो एक मिनट के लिए आप जहां भी है तीन बजे स्टेज की समाप्ति के बाद आपने ट्रक्टर, अपने ट्रैक्टर अपने व्हीकल का हॉर्न सभी जगह बजाएं और लास्ट में जो हम आपको अपील करना चाहते हैं देखिए ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से पूरे देशवासियों को अपील है ये प्रोग्राम पूरी तरह से शांति पूर्वक है आप जहां भी मोर्चा लगाएं इस चीज का ध्यान रखें कोई भी ये अपील पूरे पूरे हम जोरदार तरीके से आपको अपील करते हैं कोई भी किसान का विरोधी या किसान आंदोलन का विरोधी जो अंसर है वो तीन घंटे के लिए इस प्रोग्राम के दौरान कोई उकसाऊ भाषण कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं तो इसका आप ध्यान रहे चौकस रहें। इसका ध्यान रखें कि हमारे तीन घंटे के प्रोग्राम के दौरान कोई उकसाऊ भाषण ना हो कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई ना हो तो इसको रोकने के लिए अब जहां भी मोर्चा लगाएँ वहां पर मोर्चा लगाने से पहले ही एक वॉलंटियर की टीम तैयार करे जो उस मोर्चे को चारों ओर से सिक्योर करें और जो ऐसे अंसर हैं उनकी निशानदेही करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसी कोई भी जब भी कोई करने की कोशिश करे उस पर आपका ध्यान हो चौकस रहें ये जो तीन चार चीज़ें हैं ये हमारी तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपको बताई गई हैं इस पर कृपया ज़रूर जरूर अमल करें आगे से आगे वीडियो को शेयर करें और कल का जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इसको पूरी तरह से शांतिपूर्वक अहिंसक रूप से हमें इसको सफल बनाना है ताकि जो किसान आंदोलन है वो आगे बढ़े और और ऊंचाइयां जो प्राप्त करें सो ये हमारी आपसे निवेदन है आपसे विनती है इसको आगे सके शेयर करके कल तक के प्रोग्राम को सफल बनाएं धन्यवाद